वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम माई नेम इज नागेश और आज हम बात करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एक बहुत अच्छा कॉलेज है इन मुंबई और इनका फेमस प्रोग्राम है वो है एच आर एम और गाइज इनका एक नया यहाँ पे अपडेट आया है और उन्होंने अपने वेबसाइट पे एक जो है एक नोटिस अपडेट किया है और उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि वो कैट का स्कोर जो है वो अभी इस साल एक्सेप्ट करने वाला है फॉर देयर फेमस प्रोग्राम विच इज रिसोर्स मैनेजमेंट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग और कौन से कॉलेज का फॉर्म आपको फिल करना चाहिए इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर पे आप इस डी एम नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो संडे को गाइज हम रिप्लाई नहीं कर सकते और जो हमारा ऑफिस टाइमिंग है वो है टेन टू सिक्स पी कोई भी अगर लास्ट मिनट क्वरी भी है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं तो ये रहा नोटिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यूनिवर्सिटी टू बी ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आया है और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है द एडमिशन ऑफ़ द फॉलोइंग पीजी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 थाउजेंड ट्वेंटी और ट्वेंटी विल बी बेस्ड ऑन द कैट 2024 ट्वेंटी और जो इनका प्रोग्राम की यहाँ पे इन्होंने नीचे दिया है कि एक तो है एच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज इन लीडरशिप एंड नेक्स्ट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो ये तीन प्रोग्राम्स के लिए इस year, जो है कैट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का स्कोर जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला है तो यहाँ पे कुछ नीचे यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है द कैंडिडेट शुड फॉलो द कैट टेस्ट ओके कैट वेबसाइट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैट एग्जाम ओके आगे दिया है तो ऑल स्टूडेंट ऑल एडिशनल डिटेल्स अपडेट्स नोटिफिकेशन एज एप्लीकेबल विल सून एक्सेसिबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट जैसे कहा है कि अगर इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो अपने वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे उसको ऐड करते जाएंगे तो नीचे यहाँ पे एक और नोट दिया है दिस विल यूज कैट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर स्कोर फॉर शॉर्टलिस्टिंग द सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द अबोव मैं प्रोग्राम्स मतलब ये तीन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने तीन प्रोग्राम्स में एनरोलमेंट लेने के लिए कैट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का जो है वो स्कोर एक्सेप्ट करेगा तो अगर हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कैंपस अगर मैं मुंबई कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या उनका प्लेसमेंट है और अभी तक का उन्होंने क्या क्या वहाँ पे पैकेजेस ऑफर किए हैं तो सबसे पहली बात तो अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो गाइस 49 लाख पर एन का हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो इस मुंबई कैंपस से वहाँ पे आया है और जो कॉलेज है वो है 1936 से बहुत पुराना कॉलेज है एंड इसका जो टॉप 10 परसेंट बैच है उसका एवरेज पैकेज है थर्टी लाख पर एन और उसके बाद जो टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट बैच है वो है थर्टी फाइव पॉइंट ट्वेंटी सिक्स लैक्स पर एन तो गाइज अगर मैं इसे कंपेयर करूँ आई एम अहमदाबाद आई ए एम बंगलोर के एवरेज पैकेज के साथ तो ये बिल्कुल जो है उसके आसपास है टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट बैच को और उसके बाद यहाँ पे एवरेज सी टी सी जो है वो है ट्वेंटी सिक्स लाख का बट ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ होता है तो आप, आफ्टर टू ईयर्स जब आप एडमिशन लोगे इस कॉलेज के अंदर तो ये एवरेज जो है मैं डेफिनेटली कहूँगा ट्वेंटी एट लैख आसपास जो है एवरेज जो जाने वाला है और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कहना चाहता है कि इनके पास 78 है, जो 78 है और सिक्सटी सिक्स स्टूडेंट को जो है मतलब 84 या हम नियरली कह सकते हैं यहां से पैकेज मिला है तो ये कैट एग्जाम आपको देने के लिए एक और रीजन हो गया कि जो टॉप कॉलेजेस है अगर मैं टॉप टेन कॉलेज की बात करूँ तो टॉप टेन कॉलेजेस इन इंडिया अगर उसके अंदर मैं बात करूँ तो ये टिस्ट जो है हमेशा हमें कंसिडर करते हैं इन टॉप फाइव और टॉप सेवन के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूट उसको रैंकिंग देते हैं बट दिस ईयर ये जो है कैट एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करेगा एंड नेक्स्ट है इस कॉलेज का अगर मैं फीस की बात करूँ तो नियरली टू लैख का जो है यहाँ पर फीस रहेगा और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सेवेंटी एट स्टूडेंट्स यहाँ पर है एंड जो फीमेल थे थर्टी थ्री एंड मेल स्टूडेंट फोर्टी फाइव है और ऑफर्स जो मिले हैं इन एच आर डोमेन वो है सेवेंटी फाइव ऑफर्स जो है यहाँ पे एच आर डोमेन के अंदर मिला है मतलब ये कॉलेज जो है मोस्टली फेमस है फॉर ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट तो इस प्रोग्राम के अंदर सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव जो स्टूडेंट को ऑफर मिले हैं वो सेम है एच आर डोमे के अंदर पी पीओ जो ऑफर्ड हुआ है वो है ट्वेंटी सिक्स एंड जो नंबर ऑफ कंपनीज दैट मेड ऑफर इज फोर्टी फाइव का इज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये है ना इसका इंटेक बहुत कम है बाकी कॉलेज का अगर इंटेक इंटेक चेक करोगे तो साढ़े चार सौ पाँच सौ छः सौ के आसपास उनका इंटेक है तो वहाँ प्लेसमेंट को दिक्कत तो नहीं होती है बट कहीं ना कहीं आपको पैकेजेस के अंदर यहाँ पे उस कॉलेज के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है बट यार सेवेंटी स्टूडेंट को प्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है तो इसीलिए कैट एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास एक और नया रीज़न भी आ गया और आप इसको एज अ यूज कर सकते हैं एज अ मोटिवेशन तो इसका डिटेल डिस्कशन मैं एक और वीडियो में करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस कॉलेज के लिए क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है बट थोड़ा डिस्कशन के बाद इसके साथ एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कैट के लिए क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है जहां जहां पे आपको डायरेक्टली मैसेजेस आएंगे गुरप्रीत सर से और हम डेली का क्विजेस हो गया और डेली का जो भी स्मॉल स्मॉल नोटिफिकेशन जो भी आता है कॉलेज को लेकर किसी का फॉर्म फिलिंग होगा सब कुछ इस व्हाट्सअप चैनल के ऊपर जो है आपको देखने को मिल सकता है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको जरूर जो है आपको ज्वाइन करना है एंड अगर आपको फ्री टेस्ट लगाना है तो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लर्न फॉर एग्जाम वेबसाइट जाइए और यहां पे हमारे सारे जो है कोर्सेस आपको देखने को मिल सकते हैं एंड आप इनके जो फ्री टेस्ट है एल आर डी आई के हो गया आर सीज हो गए वो आप फ्री टेस्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं हमारे पास कैस्ट कैट के लिए और एडमैट एंड स्नैप के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है गाइज़ और ये टेस्ट सीरीज ऐसा है इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो हमने रखा है वो एग्जैक्ट एग्जाम के जैसा है जैसा आपको रियल एग्जाम में देखने को मिल सकता है और अगर आपको डेली का फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है तो आप वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर सकते हैं डेली का फ्री प्रैक्टिस टेस्ट हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं तो गाइज़ ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने है आज जो दिया है इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज एक बहुत अच्छा कॉलेज है हिडन जेम है अपने महाराष्ट्र के अंदर और ये कॉलेज अभी कैट एग्जाम जो है वो एक्सेप्ट करेगा तो अलग से आपको कोई सीयूटी के बारे में नहीं सोचना है आपको कैट का स्कोर एक्सेप्ट करना है अच्छे से प्रिपेयर करिए गाइज एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना थैंक यू सो मच